Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ओवुलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओवुलेशन के बाद ऐसा कौन सा लक्षण फीमेल की बॉडी में सबसे पहले दिखाई देता है, ये लक्षण क्यों दिखाई देता है और कैसे आप जान सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी का ही लक्षण है, जिससे पीरियड डेट से पहले ही आप अपनी प्रेगनेंसी को भी पहचान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म और एग मिल जाते हैं, यानी स्पर्म सक्सेसफुली एग को फर्टिलाइज कर देता है, देन फर्टिलाइज एग बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बनता है जायगोट। जायगोट जब फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है बन जाता है मोरूला। मोरूला फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके जब यूट्रन वॉल पे पहुंचता है तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे अटैच होता है। जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाती है तो फीमेल का इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो फर्टिलाइज एग को यूट्रन वॉल तक पहुंचने में मिनिमम 6 दिन का टाइम लगता है और मैक्सिमम 12 दिन का टाइम लगता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में बदलाव आते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद ही फीमेल की बॉडी में बहुत से हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, साथ में रैपिडली हार्मोन इंक्रीज भी होते हैं और इसके साथ एक नया हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम बीटा एचसीजी बोलते हैं, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। इसकी वजह से फीमेल की बॉडी में अलग अलग से बदलाव बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे कई महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी का पता भी कर लेती हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी का पता करना, तो उसके लिए अपनी बॉडी के लक्षणों को पहचानना शुरू कर दीजिए, जिससे आप आसानी से अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। तो गाइज, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते ही कई बदलाव फीमेल की बॉडी में आते हैं, बट आज के वीडियो में जिस बदलाव की मैं बात कर रही हूँ वो है यूरिन में जो बदलाव आते हैं, क्योंकि यूरिन ही एक ऐसी चीज है, यूरिन में ही एचसीजी डिटेक्ट होता है जिससे फीमेल्स को प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो यूरिन में जो बदलाव दिखने शुरू होते हैं वो पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर यूरिन को आप अपनी नोटिस करेंगे तो आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को भी पता कर सकते हैं। तो यूरिन में जो सबसे पहला बदलाव आता है वो उसके कलर में आता है। अगर आप अपनी यूरिन को नोटिस करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो यूरिन का कलर होता है वो स्लाइटली येल्लो सा होता है या ऑरेंजिस सा होता है। अगर ओवुलेशन के बाद फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस टाइम यूरिन का जो कलर होता है वो आपको डार्क, बिल्कुल डार्क येल्लो दिखेगा और उसमें आपको बबल्स भी दिखेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे का स्ट्रक्चर बनता है। तो जो भी फीमेल खाना खाती है फीमेल के खाने के थ्रू ही बच्चे को भी मिलता है, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से फीमेल की जो यूरिन है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है और डार्क होने की वजह से उसमें बबल्स और फोम भी दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बबल्स इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की किडनी को ज्यादा अमाउंट में अमीनो एसिड को फिल्टर आउट करना पड़ता है। जब अमीनो एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, किडनी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो यूरिन के थ्रू पास होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में बहुत सी महिलाओं को यूरिन में फोम और बबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ कई महिलाओं को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत, यानी बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने पे फीमेल की बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है 40%, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो रहा होता है, किडनी एक्स्ट्रा काम कर रही होती है और जिसकी वजह से किडनी को बार बार फिल्टर आउट होना पड़ता है और जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में फीमेल्स को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो गाइज जब बच्चा भी बड़ा होता है तो वो उसका सारा प्रेशर ब्लैडर में पड़ता है और जिसकी वजह से थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी फीमेल को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत फेस करनी पड़ती है। इसके साथ बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी के फेज में बहुत सी महिलाओं को यूरिन में से स्मेल आना शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मली केस की हम बात करें तो सिर्फ आपने नोटिस किया होगा जो मॉर्निंग की यूरिन आप पास करते हैं रात को सोने के बाद, उसमें ही आपको स्मेल आती है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट है तो आपको दिन भर में किसी भी यूरिन में से स्मेल नहीं आती है, बट प्रेग्नेंट होने पर आप किसी भी टाइम यूरिन पास करेंगे आपको उसमें से स्मेल आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो स्मेल सेंसिटिविटी होती है, सूंघने की क्षमता होती है एक महिला की, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी जो छोटी छोटी स्मेल भी होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज लगने लगती है। इवन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होगी ना, ऐसा लगता है सर पे चढ़ने वाली स्मेल
लगने लगती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रेग्नेंट होने पे इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, यानी स्मेल सेंसिटिविटी के लिए। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको पीरियड डेट से पहले तो दिखाई देंगे, बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती रहेगी तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है प्रेगनेंसी के, ये फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा विजिबल होने लग जाते हैं। यही कुछ लक्षण नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस फीमेल की बॉडी में आ रहे होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस करें तो डेफिनेटली पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। और अगर आपका पीरियड डेट मिस हो जाता है तो पीरियड डेट मिस होने के एक हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करेंगे तो उसमें आपका एससीजी हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो ऐसे ही आप अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।